उसके लिए मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा। अरे मोदी जी, आपके उदाहरण बता रहा हूँ। जो किसान हमारे अपने खेत से जा रहे थे और चौराहे पर उन्होंने देखा एक दाढ़ी बाल वाले की फोटो लगी थी, तो झांसा राम की फोटो लगी है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। मांग वही जो पिछले 10 महीने से मांग है, वही आज की भी मांग है कि तीनों कृषि कानून जो भारत सरकार ने बनाए हैं उसको वापस ले, MSP पे कानूनी गारंटी की बिल लाए, उसको कानून बनाए कि पूरे देश में कहीं भी MSP से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदारी ना हो किसी भी किसान का कोई भी प्रोडक्ट। आज जो है सुलेम सराय में हमने पूर्णतः चक्का जाम किया है और इस तरीके से 8 जगहों पे हमारा चक्का जाम है भारत बंद को सफल बनाने के लिए। हाँ, ट्रैक्टर लगा दिए, किसान तो है, ट्रैक्टर चले गई। ट्रैक्टर से जब किसान दिल्ली में घुस गया तो इलाहाबाद नहीं घुस सकता। कब तक ये आपका धरना जारी रहेगा? ये धरना आने आज तो एक दिन ही है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है, 3 बजे तक है ये। लेकिन अगर सरकार नहीं वापस लेती है तो ये पर ऐसे चलता रहेगा समय समय पर। इस तरह का आंदोलन और तेज आंदोलन होंगे और उग्र आंदोलन होंगे। सरकार इस गलत फहमी में ना रहे कि किसान चिल्लाएगा फिर घर जाके भूल जाएगा। किसान इस बार जाग चुका है और अब ये किसानों की लड़ाई रही नहीं रही गई है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की हो गई है जो रोटी खाता है और हर उस व्यक्ति ने ठान लिया है कि रोटी को तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे।